भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज का जो दिन है यह ऐतिहासिक दिन है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा की इस पवन धरती रांची पर उनका आगमन हो रहा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ताओं के तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बहुत खुशी की बात है हम सबों के लिए, खास करके झारखंड प्रदेश के लिए। उनके आगमन के बाद झारखंड भवन, अब जो झारखंड भवन बना है उसका आज शुभ उद्घाटन होने वाला है। उसके साथ साथ कई मल्टी मॉडल टर्मिनल, 462 एकलव्य मॉडल स्कूल, इस तरह का कई सौगात देने वाले हैं। मुझे लगता है कि उनके आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, जोश है। और हमारा जो आने वाले दिनों में जो टारगेट है, झारखंड प्रदेश में चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाना है। हमारा जो 65 प्लस का जो टारगेट है, इस 65 प्लस की टारगेट को भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, उसके आगमन पर काफ़ी उत्साह और काफ़ी जोश है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। नहीं, हम सबों के लिए तो बहुत सौभाग्य की विषय है कि उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत इस झारखंड की ज़मीन से किया है और आज भी वो करने जा रहे हैं। इसीलिए हम सब कार्यकर्ताओं के लिए या झारखंड प्रदेश की आम जनता के लिए इससे बड़ी सौभाग्य, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। अभिजीत अमन।